हेलो हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। हेलो। मॉर्निंग व्हेन इज योर एग्जाम? एनसेम एग्जाम? हेलो हेलो। सर एग्जाम यस विल स्टार्ट फ्रॉम 12th मार्च। सर, 12th मार्च सर। 12th मार्च ना। सो यस सर। वन थिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देर विल बी नो एनसेम एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली ओनली द एग्जाम will be conducted in the workshop. That will be, that may consist of means that will be about viva and the practical activity. Okay, so एनसेम जैसे दूसरे सब्जेक्ट का होता है, ऐसे ये वर्कशॉप का नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, वर्कशॉप का नहीं होगा, पर वर्कशॉप का जो वर्कशॉप प्रैक्टिस है, जो वर्कशॉप में तुम लोग करते हो, उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उस एग्जाम में तुम लोग का वाइवा होगा। सर लोग फिर तुम लोग को हो सकता है कि कोई टूल वूल के बारे में पूछें, कोई प्रोसेस के बारे में पूछें, कोई मशीन बताएं, और मतलब उसके बारे में पूछें कि ये क्या मशीन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पार्ट्स क्या है। ठीक है, जैसे वर्कशॉप में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। सो दैट विल बी टेकन विद इन आवर कॉलेज, मतलब सर लोग अपना ही सर लोग लेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी वो नहीं लेगा। और ऐसा जो ये थ्योरी क्लास हो रहा है, इस थ्योरी क्लास का ये नहीं होगा, मतलब एनसेम एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। यस सर। ओके, सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द लेथ मशीन। सो टुडे वील डिस्कस द वेल्डिंग। ओके, सो इन विच वील डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ, व्हाट इज वेल्डिंग, वील डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड। So is this screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. So in this today's lecture, we have content like welding. Means we'll define what is welding. I will also discuss different type of welding, in which we'll go for the gas welding, arc welding. ठीक है, एंड विल डिस्कस ऑल्सो द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। देन विल डिस्कस एप्लीकेशन एंड द एंड वी फाइनली वी कंक्लूड। सो एज यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग? द वर्ड वेल्डिंग इज क्वाइट पॉपुलर टू ऑल ऑफ यू, सो आई थिंक यू नो व्हाट इज वेल्डिंग। Can anybody tell me what is welding? Anyway, so welding is process of joining two or more
सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय हीटिंग देम टू। जैसे हम लोग तुम देखा होगा कि कोई दो पार्ट्स को यदि ज्वाइन करना है तो वी कैन ज्वाइन दीज टू पार्ट्स आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली। ठीक है, तो टेम्पोरली ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ नट बोल्ट लगा देते हैं, रिबिटिंग कर देते हैं, नहीं ये सारे चीज़ करके उसको टेम्पोरली हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी चीज़ को हम लोग परमानेंटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेम्पोरली ज्वाइन करते हैं दो पार्ट्स को, दैट इज़ नॉट कॉल्ड वेल्डर। When you join two or more dissimilar or similar parts, similar metals, by heating them to a suitable temperature, with or without the application of pressure, that process is called welding. ठीक है, is it clear? Means it is simply a process of joining two or more similar or dissimilar metals by heating them to a suitable temperature. वो दोनों पार्ट को कुछ suitable temperature तक हीट करते हैं। We may apply pressure or we may not apply pressure at that time with using filler material. ठीक है, that process is called welding. So welding is used for making permanent joints. As I told you that the product of welding is permanent joint. Is it clear? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So there are different type of weldings, like first one is plastic or pressure welding, second one is that is fusion welding or non-pressure welding. So the plastic welding or pressure welding, in this welding the piece of metal to be joined are heated to a plastic state and forced together by external force. So in this type of welding process, heat is applied to the piece of the metal which is to be joined, and that is heated to the plastic state. Okay, and these piece of metals are forced together by external pressure. So this type of welding is called plastic welding or pressure welding. And the, for example, the resistance welding is the plastic welding or pressure welding. Is it clear? Next one is fusion welding or non-pressure welding. ठीक है, so in this fusion welding or non-pressure welding, the material at which joint, the piece of the metal which is to be joined, is heated to a molten state and allowed to solidify. ठीक है, and in this type of welding there is no application of pressure. So this type of welding is called fusion welding or non-pressure welding. ठीक है, एंड the example of the fusion welding are gas welding, arc welding. So these are the examples. Okay, so what do you mean by basic difference between plastic welding and means fusion welding? Can anybody tell me? Sir, pressure. Sir, pressure is applied in plastic welding, sir, and in non-fusion welding is not applied. Another?
अनदर डिफरेंस? सर वो प्लास्टिक फॉर्म तक स्टेट में हम लोग करते हैं सर हीट, और इसको मोल्टन स्टेट तक हीट करते हैं सर फ्यूजन वेल्डिंग। सो व्हाट इज मीन्ट बाय प्लास्टिक स्टेट एंड मोल्टन स्टेट? प्लास्टिक स्टेट मतलब सर पता नहीं सर। हाँ, इलास्टिक प्लास्टिक तो पड़े हो ना, बंद कर दो ना, बंद। इलास्टिक और प्लास्टिक स्टेट पड़े हो ना, हुक्स लॉ पड़े हो ना। हेलो, हुक्स लॉ पढ़े हो? अरे यस सर। हुक्स लॉ में क्या होता है, इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन होता है ना। हाँ सर, वो इलास्टिक जो अपना फॉर्म को रिगेन करने की कोशिश करता है। कोशिश करता है मैंने कर लेता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, या मतलब इफ द फोर्स इज रिमूव देन द मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। नहीं, यस प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है कि दैट डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट। ठीक है, वो अपना ओरिजिनल जो शेप होता है वो रीगेन नहीं कर सकता है, दैट इज प्लास्टिक लिमिट। वही है ना। और मोल्टेन स्टेट, व्हाट इज दैट मोल्टेन स्टेट? मोल्टेन स्टेट मीन्स दैट सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड। ठीक है, मीन्स ठीक है, मतलब मेल्ट हो जाएगा वो, राइट? मीन्स चेंज ऑफ फेज विल टेक प्लेस देयर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक वेल्डिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग। And the example of the plastic welding is resistance welding, and the example of the fusion welding is gas welding and arc welding. ठीक है, so there are so many type of welding processes, like one is gas welding, another is arc welding, resistance welding, solid state welding, thermochemical welding, low temperature welding. So these are the different processes of the welding, right? So we'll discuss about the gas welding and arc welding. Okay. So next we'll see the gas welding. Okay. So gas welding is a fusion welding process. Fusion welding process means फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मीन्स गैस वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब कि वो जो एसिटिलीन वगैरह है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के वो करवाते हैं, क्या कराते हैं? ठीक है, वेल्डिंग मतलब करवाते हैं। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि सिंपली जो हीट का सोर्स होता है, दैट सोर्स माने हीट कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बसन ऑफ ऑक्सीजन एंड द फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल क्या हो सकता है? एसिटिलीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। ठीक है, तो दीज फ्यूल कैन बी देयर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कैन बी बर्न एंड यू कैन गेट द हीट। ठीक है, एंड दैट मीन्स the material or piece of the metal which is to be joined is heated to what? Plastic state or plastic zone, right? And then the you can form the permanent joint, right? So depending on the use of the different type of fuel, we can say the examples of gas weldings are oxy acetylene, ER acetylene,
ऑक्सीहाइड्रोजन ऑक्सी फ्यूल, ठीक है। तो यदि एसिटिलीन यदि फ्यूल के रूप में मीन्स फ्यूल के रूप में यूज करते हो और गैस के रूप में यूज करते हो तो दैट में बी ऑक्सी एसिटिलीन, और एयर यूज करते हो वहाँ पे तो एयर एसिटिलीन हो जाएगा। हाइड्रोजन यूज करते हो तो ऑक्सी हाइड्रोजन हो जाएगा। कोई अदर फ्यूल यूज करते हो तो ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यू सी ऑक्सी एसिटिलिन वेल्डिंग प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, सिंपली एक सिलेंडर मीन्स ऑक्सीजन का रहता है, एक सिलेंडर एसिटिलिन का रहता है, राइट। एंड दे आर यूज इन करेक्ट प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस इंटेंस गैस फ्लेम, ठीक है। एंड उसी गैस फ्लेम से दैट द पार्ट ऑफ द मेटल विच इज टू बी ज्वाइंट इज हीटेड, एंड दैट इज हीट करके उसको क्या करते हैं कि उसको प्लास्टिक रीजन में वो करते हैं, राइट। एंड देन बाई दैट प्रोसेस वी गेट द परमानेंट ज्वाइंट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो इन दिस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वी प्रोड्यूस द हीट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, राइट, ठीक है। सो इन गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, ओके। सो गैस सिलेंडर इज देयर, लाइक यू सी दीज आर दी गैस सिलेंडर, दिस इज दिस दिस लॉन्ग सिलेंडर इज ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड दिस इज अनदर सिलेंडर एसिटिलिन सिलेंडर, राइट। वेर इन गैस सिलेंडर द प्रेशर इज मीन्स इन गैस सिलेंडर इफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इज देयर दैट प्रेशर इज 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू हैव एसिटिलिन सिलेंडर दैट प्रेशर इज 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दीज आर दी प्रेशर ऑफ द डिफरेंट सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एसिटिलिन सिलेंडर, ओके। सो वी हैव रेगुलेटर्स देयर, ओके। एंड द वर्किंग प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्किंग प्रेशर ऑफ एसिटिलिन इज 0.15 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड द वर्किंग प्रेशर दैट वेरीज अपॉन द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस और द टाइप ऑफ द जॉब पीस विच इज टू बी वेल्डेड, राइट। देर आर प्रेशर गेजेस देयर, सो दीज आर देर आर प्रेशर गेज विच इंडिकेट द विच शोज द प्रेशर, ओके। होज पाइप्स आर देयर, दीज आर द होज पाइप्स, दिस पाइप्स आर होज, ओके। दिस इज ऑक्सीजन होज पाइप, दिस इज फ्यूल होज पाइप और एसिटिलीन होज पाइप, वेल्डिंग टर्च, ठीक है। वी हैव वेल्डिंग टर्च, दिस इज वेल्डिंग टर्च, राइट। चेक वाल्व इज देयर, सो हियर यू सी द चेक वाल्व विल बी देयर, बट दिस इज नॉट शोन हियर, आई थिंक देयर इज वाल्व देयर, सो दैट इज वाल्व इज चेक वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व इज ऑल्सो देयर विच डज नॉट अलाउ द गैस टू रिटर्न, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स लाइक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, प्रेशर गेजेस, होज, वेल्डिंग टर्च, चेक वाल्व एंड नॉन रिटर्न वाल्व, राइट। सो देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग प्रोसेस। So the advantages are it is portable,
at most, but versatile process. Okay, and you can apply the gas welding, or you can means carry the all equipments to another place. Okay, you have the better control over the temperature. Okay, in this gas welding process, suitable to weld dissimilar material, you can weld or you can join the dissimilar materials also. And here, this system or this gas welding equipment cost low, and the maintenance is also, that is low maintenance cost, right? So these are the advantage of the gas law, gas welding process. Disadvantage means this is not suitable for the heavy section, heavy work. This is not required. In this process, gives the less working temperature. So if the high working temperature is required, so this gas welding is not preferred. Okay, and this rate of heating here is slow, so this process is somewhat slow process. Okay, so these are the disadvantages of the gas welding process. Okay. So हेलो यस सर हम लोग वहां पे वर्कशॉप में वेल्डिंग चीज देखे हो, वेल्डिंग इक्विपमेंट देखे हो? यस सर. और क्या क्या देखे हो वहां पे वेल्डिंग में? कौन कौन वेल्डिंग इक्विपमेंट देखे हो? सर वर्कशॉप में तो नहीं सर, पर घर के बाहर ही होता है, बास में तो उधर ही देखे हैं. ओ देखे हो? हाँ सर, होते हुए भी देखे हैं सर. तो वो कौन टाइप का वेल्डिंग? सर हम नहीं देखे हैं सर. ना वर्कशॉप में जैसे हमारा ये तो वर्कशॉप प्रैक्टिस प्रैक्टिकल भी तो होता है ना. तो सर उसमें वेल्डिंग करके नहीं दिखाया गया सर, खाली इक्विपमेंट दिखाया गया. ओ इक्विपमेंट दिखाया गया. वेल्डिंग होते हुए सर घर के बाहर तो देखे ही सर, अक्सर ही देखते हैं. देखते हो? तो वो कौन सा? तुम्हारा घर का बाहर थोड़ी आएंगे हम लोग. अरे नहीं, उसके घर के बाहर जाने के नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा घर के बाहर भी हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है. इंटरेस्ट है तो यू कैन गो एंड सी. जंगल में रहता है सर वो. एंड मैंने लाइफ में तो सबको जरूरी, मैंने वेल्डिंग तो जानता ही है, कभी ना कभी जरूरत तो पड़ेगा ही. हाँ सर. ठीक, तो कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है वहाँ पे? सब आप वेल्डिंग प्रोसेस तो अभी पढ़ी ना सर, आप जाएंगे तो मतलब पूछेगा ना कैसे करता है वहाँ पे. मैंने टॉर्च रहता है, अलमीरा वगैरह बनता है, फिर किसी का वो गैस वेल्डिंग ही होगा. हाँ, टूट वर्ड गया तो उसको जोड़ता है, साइकिल वगैरह टूट गया तो साइकिल का वो एक्सल वो सब. हाँ वही चीज है, गैस वेल्डिंग ही होगा मोस्ट प्रोबली. अब मैं तो देखा नहीं हूँ, पर मतलब गैस वेल्डिंग ही होगा. तो और हमारा लैब में जो ये लोग दिखाया वो क्या था? लैब में जो सर लोग दिखाया वो कोई खास वेल्डिंग प्रोसेस दिखाया कि क्या दिखाया? कौन सा वेल्डिंग मशीन दिखाया? हेलो. यस सर. लैब में जो दिखाया, तुम लोग का प्रैक्टिकल भी होता है ना, ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल होता है. ठीक है, और उसमें क्या दिखाया सर? गैस आर्क दोनों. गैस आर्क दोनों दिखाया. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आर्क वेल्डिंग. ठीक है, सो आर्क वेल्डिंग इज सिंपली अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, एंड इन इन दिस आर्क वेल्डिंग
The heat required to fuse the metal is obtained from the electric arc between the base metal and the electrode. तो वहाँ पे electrode और base metal के बीच में जो means there will be formation of the electric arc और उसी के चलते that heat will be produced there and that heat will be sufficient to fuse the melt the metal. ठीक है तो and by that you will get the welded part there and that process is called fusion welding process. ठीक है तो इसमें जो fusion welding है इसमें pressure apply होता है कि नहीं होता है? fusion welding process में pressure apply होता है कि नहीं? देखा है? होता है, देख लो यहाँ पे लिखा है और थोड़ा जो पढ़ा रहा हूँ वो देखा करो. देखो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में क्या लिखा है. फ्यूजन होता है द पार्ट ऑफ द मेटल व्हिच इज टू बी वेल्डेड इज अलाउड टू फ्यूज और मेल्ट एंड देन हेलो 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 यस सर. हाँ करंट चला गया था. हेलो ओके सर. तो ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग लाइक मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, so tungsten inert gas welding, this is also called TIG welding, metal inert gas welding, this is called MIG welding, right?
we have different equipments used for this arc welding. So in this process, we use welding generator, ठीक है, और transformer, two cables, one is for work, another is for electrode, electrode holder, electrode will be there, protective seal will be there, gloves will be there, wire brush will be there, chipping hammer will be there, goggles will be there. So these are the equipments used in the arc welding process, right? We see this is the arc welding process, right? The figure is here. You see this is weld, this is the black portion is workpiece, right? And this is arc formed is here, this is flux, this is metal, this is the molten state. You see here this is molten state, ठीक है. So this is the graphical representation of pictorial representation of the arc welding, metal arc welding. This uses electric arc to quell the metals. Arc welding is the most common method of the welding welding of the metals. Here electricity travels from electrode to the base metal to ground, right? We have different advantages and disadvantages of the arc welding. Advantages, we can say the most efficient way to join metal, lowest cost joining method, affordable, lighter weight through better utilization of material, joins all commercial metals, provides design flexibility. And the disadvantages of these processes are that manually applied. 1 minute. This need high energy, okay, so it causes danger also. This is not convenient for disassembly. Defects are hard to detect at the joints, okay. So these are the disadvantages of the arc welding, right? And the application of the arc welding is that it is used in the manufacture of the automobile bodies. It is also used in manufacture of the aircraft frames, in railway wagons, machine frames. It is used in structural works, tanks, furniture, boiler, and this can be also used in general repair work, okay, and ship building works, okay. So these are the applications of the arc welding process. So in this chapter today, we discuss the definition or what is welding. We discuss the different type of the welding, different welding processes, in which we discuss the gas welding process, okay. In gas welding process, we discuss the advantage and disadvantage of the gas welding. And then we also discuss the arc welding. In arc welding, we discuss the advantage, disadvantage, and the applications. Okay. So I think we have today is the last class hoga na aaj. Hello. So, yes, sir. Okay, I think today is the last class for this subject, so we will not meet in this semester. So from my side, all the best
to all of you. You prepare. Thank you, sir. You prepare for the. Thank you, sir. And you need not to worry about the subject because there is no NSEM for this subject. Okay. So you prepare other subjects. Okay. And so where to give attendance? So in the chat box. Okay, sir. You write your. ठीक है मैं भेज दूंगा इसका तो जरूरत नहीं है यो खाली पीपीटी लेके करोगे क्या तुम तो एग्जाम दोगे नहीं तो ये पढ़ोगे नहीं आई नो ठीक है सर वाइवा में काम आ जाएगा सर वाइवा में क्या होगा तब हाँ भाईवा में देखो भाईवा के लिए बेटर होगा कि तुम ये तुम्हारे पास तो हाजरा चौधरी का बुक है या सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारे पास लाइब्रेरी में कभी मौका मिले तो लाइब्रेरी में आके तुम लोग ले सकते हो ठीक है तीन ही बुक सर हम लोग कैसे लेंगे लाइब्रेरी से हम लोग तो अदर स्टेट से हैं अदर स्टेट से हो ठीक है तो डाउनलोड कर लो मैं देख लाइब्रेरी वाला को बोल दो पीडीएफ पास होगा तो आप गूगल क्लासरूम में भेज दीजिए सर हां मैं देखता हूं कि यदि सॉफ्ट कॉपी हमको मिल जाता है ठीक है मिनट में तो मैं गूगल क्लासरूम में मैं शेयर कर दूंगा ठीक है सो गुड लक ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम थैंक यू सर कॉलेज कब खुलेगा कॉलेज बाबू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर सर कॉलेज कब खुलेगा कॉलेज तो क्या बता सकते हैं यूनिवर्सिटी बोलेगा तभी खुल सकता है अभी तो अब इलेक्शन है आई कांट से माने व्हाट विल हैपन ठीक है बट अभी तो एग्जाम के बाद ही कुछ हो सकता है अभी तो एग्जाम तुम लोग का यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा दैट विल बी ऑनलाइन ठीक है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में अनाउंस फॉर द दिस ओपनिंग ऑफ द कॉलेजेस कॉलेज कुछ नहीं बोल सकता है ठीक है थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू सर थैंक यू सर